हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। NLP और हिप्नोसिस ये माध्यम से भी लोगों को ठीक करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्किजोफ्रेनिया के एकदम प्राथमिक लक्षण के बारे में। एक्चुअली ये लक्षण स्किजोफ्रेनिया के है कि नहीं, इसके बारे में हमको डाउट आ सकता है, शक आ सकता है, क्योंकि वो स्किजोफ्रेनिया के ही सिर्फ लक्षण नहीं हो सकते, और भी हो सकते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने स्किजोफ्रेनिया मन का कैंसर, इसके बारे में मैंने कहा था। एक वीडियो मेरा जारी है। अभी हमको देखना है कि जब स्किजोफ्रेनिया होता है, मन का कैंसर, एकदम पागलपन की बीमारी, विचारों की बीमारी, थॉट की बीमारी, तो एकदम अचानक नहीं होती। उसके लक्षण कम से कम ऐसा पाया गया है कि कम से कम उसके लक्षण 1 साल 1.5 साल से धीरे 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 चलते आते हैं, मगर हमको पता नहीं लगता कि वो लक्षण उसके हैं। हम उसको ऐसा उसका स्वभाव है ऐसा बोलते हैं, या उसके तरफ हम ख्याल देते नहीं। वो व्यक्ति की तरफ होता क्या है कि भाई, काम में पूरा ख्याल नहीं करना, काम में कुछ छोटी छोटी गलतियां करना, फिर थोड़ा अकेलापन रहना, अकेला अकेले जरा रहना ज़्यादा पसंद करना, काम के लिए बोला या पढ़ाई के लिए बोला तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा ऐसा बोलना, या फिर कहीं आना जाना जो चल रहा था पहले थोड़ा सा कम कर देना, फिर खुद की जो क्लीनलीनेस है, साफ सफाई, मतलब नहाना धोना जो है वो थोड़ा, उसमें थोड़ा फर्क आ जाना, कभी करना कभी नहीं करना, स्वच्छता पूरा खुद की, या फिर कभी कभी एकदम अचानक गुस्से से बात करना या रिएक्ट करना, या काम पे नहीं जाने, बीच बीच में छुट्टी डाल देना, ऐसे कुछ लक्षण जो है वो स्किजोफ्रेनिया के हो सकते हैं। ये व्यक्ति वैसे दिखते तो ठीक है, प्रॉब्लम दिखता नहीं कुछ, मतलब हम ऐसा उनका स्वभाव ऐसा है करके छोड़ दे सकते हैं, मगर एकदम बारकाई से उसको देखा, उनको देखा, उनकी जांच किया, उनको कोई टेस्ट दिया, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि भाई नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। ये व्यक्तियों को कुछ भी थोड़ा टेंशन आ गया, थोड़ा सा टेंशन, तो वो बफला जाते हैं या उसमें टूट जाते हैं। थोड़ा टेंशन मतलब क्या है कि परीक्षा में फेल होना, असफल हो जाना, या कोई आर्थिक नुकसान हो जाना, या किसी से अनबन हो जाना, या झगड़ा हो जाना, या घर में किसी की कोई डेथ हो जाना, या बुखार आना, ऐसा कोई भी स्ट्रेस वाला कार्यक्रम हो गया थोड़ा सा, तो ये व्यक्तियों को एकदम ऐसा कुछ तो भी ज़्यादा ही दिखाई देता है, और वो स्ट्रेस निकल गया कि वो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। अभी मेरे पास में एक लड़का आया था, उसके माँ बाप ने उसको लाया, तो उसको ऐसा ऐसा मालूम पड़ा था कुछ तो भी गड़बड़ है। हम उसको बोल नहीं सकते कि वो स्किजोफ्रेनिया है, ऐसा बोल नहीं सकते, मगर ऐसा कुछ तो भी सॉफ्ट साइंस उसको दिखते हैं कि भाई कुछ तो भी गड़बड़ चल रहा है। हम उसको उंगली नहीं बता सकते कि भाई ये बीमारी है करके, जैसा वो बोल रहा था लड़का कभी कभी कि मुझे है ना ऐसा लगता है कि मेरा आधा जो चेहरा है ना वो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि खाली हो गया, या कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्रेन में भेजे में वो कभी ब्रेन बहुत ही हल्का हो गया, या कभी कभी वो अकेले बैठे जाता है, या कभी खाने के लिए नहीं बोलता है कि नहीं मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, या कभी ज़्यादा ही खाना खा लेगा, कभी रात में उठ के बैठेंगे और पढ़ाई करेगा, मतलब ऐसा कुछ तो भी उसमें दिखाया जा रहा था। उसके माँ बाप ने लाया था कि उसकी डिटेल जाँच किया, और कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट रहती है, परीक्षा रहती है मानसिक मनोविश्लेषण की, वो उसको हमने दिया, और उसमें मालूम पड़ा कि ये स्किजोफ्रेनिया मतलब मन का जो कैंसर है उसके तरफ भी धीरे 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 बढ़ रहा है। उसका काउंसलिंग चालू किया, उसको एकदम कम मात्रा में दवा चालू किया, और 1 महीना 1.5 महीने में उसको काफ़ी सारा फर्क हमें दिख गया। तो इसमें एजुकेटेड, यदि शिक्षित पेरेंट्स है, माँ बाप है, तो उनको पता चल जाता है कुछ तो भी गड़बड़ है, मगर फाइनेंशियल साउंड नहीं है, अशिक्षित लोग हैं, वो ढकेलते रहते कि जाएंगे जाएंगे डॉक्टर के तरफ, कुछ उसका इलाज नहीं करेंगे, या कुछ बाहर ही करेंगे, बाबा महाराज उनके पास में चले जाएंगे कि कुछ तो भी गड़बड़ है भाई, इसका देखो इलाज करो ऐसा, तो फिर वो लक्षण धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। और ऐसा पाया गया है कि कम से कम 1.5 साल तक ऐसा चलते रहता है, और 1.5 साल के बाद में एकदम वो बस्ट हो जाता है। इनका यदि स्किजोफ्रेनिया का इलाज यदि बराबर हमने किया, दवाई बराबर दिया, उसके साथ साथ उसको सपोर्ट किया, फैमिली सपोर्ट, काउंसिलिंग, तो उसमें उसका उसका जो थिंकिंग है वो लाइन पे आ सकता है। अभी एक मेरे तरफ और एक व्यक्ति आया है, वो प्रोफेसर है इंजीनियरिंग कॉलेज में।
अकेला आता है, बोलता है कि भाई मुझे कोई तो बाहर से कंट्रोल कर रहा है, ऐसा लगता है लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं। अभी ये तो क्लियर कट स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण हो गए, मगर बाकी उसमें कोई खराबी नहीं है। वो लेक्चर मतलब प्रोफेसर है, वो पढ़ाई मतलब सिखाता है बच्चों को, बाकी सब ठीक है। सिर्फ उसको इतने लक्षण है कि मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि लोग मेरा मतलब मेरे ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं, या मेरे बारे में लोगों को मालूम पड़ जाता है, और वो हंसता भी है कि ऐसा कैसा संभव है, मगर मुझे ऐसा होता है। अब इसमें इसको हमको पकड़ के लेना चाहिए कि भाई नहीं, ये कुछ तो भी गड़बड़ आगे होने वाली है, क्योंकि वो उसको पता है, अकेला भी आता है, हंसता भी है कि ऐसा कैसा संभव है, मतलब उसको पूरी इंसाइट है। और तभी भी उसको घर वाले बोलते हैं ठीक है ऐसे कुछ तो भी करते रहता है, ख्याल मत दो। तो ऐसे हम यदि लक्षण पकड़ सके और तुरंत उसको साइकियाट्रिस्ट के पास में, मनोविकार तज्ञ के पास में उसको लेकर जा सके, तो एक समाज जो मतलब ऐसा सिज़ोफ्रेनिया से ग्रसित हो जाएगा या उसको बीमारी हो जाएंगे, उससे हम उनको बचा सकते हैं और एक अपने देश का नवनिर्माण कर सकते हैं। आपके आजू बाजू में ऐसे काफ़ी लोग होंगे कि जिनको आपको लगता है कि नहीं कुछ तो भी गड़बड़ चल रही है, कुछ तो भी ऑड दिख रहा है। उनके घर वालों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, उनको शेयर करो, उनको शायद ऐसा लगे कि हमको काउंसलिंग की ज़रूरत है या साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो ज़रूर वो किसी ना किसी की मदद लेंगे और उनका जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करेंगे। सो आपका ये वीडियो जो है ये आपके फेसबुक के, व्हाट्सएप के ऊपर जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।